नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम चिकन करी शेयर करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे आलू के साथ कैसे चिकन बनता है। चलिए तब चिकन बनाने का तरीका बताते हैं, दिखाते हैं कितना क्या डालते हैं। चिकन बनाने के लिए हम 1 किलो चिकन लिए हैं, इसमें हम डालते हैं अभी 2 चम्मच इसका, ये चम्मच का 2 चम्मच हल्दी। उसके बाद डालते हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक डालना है। अभी हम डाल रहे हैं इसका भी 2 चम्मच नमक, ये देखिए। और डालते हैं ये आधा नींबू, नींबू डाल के हम थोड़ा देर छोड़ देंगे, कम से कम 15-20 मिनट छोड़ देंगे। नींबू डालने से बहुत अच्छा लगता है, इसको हम छान देते हैं। इसको छान करके इसको हम अभी रख देंगे। फिर प्याज काटे हैं 1/2 किलो से, 4 ठो निकाल दिए। और लहसुन भी यहाँ है, लहसुन अदरक उसको अभी हम मिक्सी में पीसेंगे। मिला दिए हैं, अब इसको हम रख देंगे। इसके बाद इतना 2 लहसुन लिए, यहाँ 2 इंच का अदरक लिए हैं, इसको मिक्सी में पीसेंगे। देखिए मिक्सी में पीस लिए हैं ये मसाला, लहसुन और अदरक पिसा गया है। और अभी हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है। अभी हम डालेंगे तेल थोड़ा सा, इसमें आलू भूजेंगे। आलू को थोड़ा आधा आधा फ्राई कर लेंगे, ताकि हम चिकन में ये डालने वाले हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं चिकन में, जब डालेंगे चिकन में तो हल्का उसमें डाला हुआ रहेगा तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा नमक डाल दिए, अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन में डालते हैं ना आलू, तो चिकन से टेस्ट तो आलू ही लगता है। हम लोग तो आलू डालते हैं, और थोड़ा सा हल्दी भी डाल देते हैं। इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। आलू फ्राई हो गया है, अभी आलू को हम उतारते हैं। अब ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही। फिर चिकन के साथ से ये फ्राई हो जाएगा, मतलब वो बहुत सीज जाएगा, फ्राई तो हो गया है। इसके बाद फिर तेल डालते हैं, प्याज फ्राई करेंगे। प्याज में फिर चिकन तैयारी करेंगे। कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, अभी हम डालेंगे कुछ छोटा छोटा तेज पत्ता काट के रखे हैं, तेज पत्ता। और डालेंगे 2 लाल सूखा मिर्चा, इसको थोड़ा सेंट होने के लिए ये। आप डालेंगे प्याज, एक हाथ से ना दिक्कत होता है, क्या करो।
अब हम तेज पत्ता डालते हैं, प्याज डालते हैं, प्याज डाल दिए। अब प्याज को लाल करते हैं तब मसाला डालेंगे। प्याज तो लाल लाल सुनहरापन हो गया है, अभी हम डालेंगे इसमें आधी और लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा भूनेंगे तो फिर मसाला डालेंगे, धनिया, जीरा जो भी होता है, हल्दी मसाला जो भी है, जो कम भी है डाल देते हैं। अभी हम एक चम्मच, छोटा चम्मच का दो चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डाल दिए हैं, जीरा पाउडर देते हैं दो चम्मच। दो चम्मच शिमला मिर्च का पाउडर जो है लाल होने के लिए, सब दो दो चम्मच डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और थोड़ा और हल्दी डालना है, और थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। लाल मिर्ची नहीं है, ये अपना घर का है, ये डालते हैं झाल होने के लिए तीन चम्मच। एक चम्मच नमक, बस इतना ही डालेंगे। अब इसको हम लाल करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसमें 10 कुआ लहसुन जो है ये डाल दिए हैं। इसमें सीजा हुआ रहेगा ना तो अच्छा लगेगा, जब इसको चिकन बन जाएगा तैयार होगा खाने में अच्छा लगेगा। और देखिए मसाला भी लगभग मेरा तैयार हो गया है। अभी इसमें हम चिकन डालेंगे। दो मिनट, देखिए मसाला तैयार हो गया, क्योंकि तेल छोड़ दिया, कढ़ाई में साट नहीं रहा है, तेल अलग हो गया है, मसाला भी अलग हो गया है। तो अभी हम चिकन डाल देते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर हो गया है, अभी भून ही रहे हैं। इसमें दालचीनी, गोटा सब कुछ डाल दिए हैं, अभी आपको नहीं दिखाएं। और लास्ट में डालेंगे इलायची पाउडर, थोड़ा सा कूट के रखे हैं। दालचीनी से खड़े डाल दिए हैं, बड़ा इलायची दो डाल दिए हैं, लौंग डाल दिए 5 को। तो उसको आप कूट के भी डाल सकते हैं, खड़ा भी डाल सकते हैं, तो मसाला पसंद नहीं करता, दांत में पड़ता है, इसीलिए हम खड़े डाल दिए हैं। देखिए मेरा भुना गया है, कितना अच्छा कलर लग रहा है दोस्तों। देखिए इसमें अभी थोड़ा सीजने के लिए पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिए हैं, अभी थोड़ा उबालने देते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उबालने देते हैं, उबल जाएगा थोड़ा सा तो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मेरा चिकन तैयार हो गया है, देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों मेरा जो बनाने का तरीका, कैसे हम बनाए हैं, आप लोग भी घर में इसी टाइप का बना के देखिएगा। आलू मिला करके, नींबू डाल के, इस टाइप का। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया चिकन बनाने का, तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, कुछ तो बताइएगा, अच्छा खराब शिकायत। थैंक यू।